नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medford Multispeciality Hospital. मैं हूं सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज FK, बने रहिए हमारे साथ। सदन में लगाई दहाड़ कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा, पूरे महाराष्ट्र में परमिशन दे दी गई है टाटा पावर और अडानी पावर, हमारे मुमरा शहर से भी टोरेंट के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करें ताकि ये टोरेंट हट जाए, दूसरे जो टाटा पावर है अडानी पावर है इनमें से कोई भी आए जरा समझ ले, इसके ऊपर कोई पाबंदी लगनी चाहिए। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने लगाई दहाड़ सदन में, किस तरह से अब ये सरकार इनकी दहाड़ को मंजूरी देगी आने वाले समय में मुमरा की जनता देखेगी। लेकिन कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने बुलंद आवाज में सदन में आवाज लगाई है और ये आवाज कहां तक पहुंचेगी जनता इसका भी इंतजार करेगी, और आने वाले समय में ये टोरेंट जाएगा कि नहीं जाएगा ये चर्चे का विषय बना रहेगा। क्या कुछ कहा सदन में जितेंद्र आव्हाड ने, आइए देखिए हमारी इस खबर में। माझ्या इथे टोरेंट नावाची एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वसुलीसाठी लावलेली आहे, जेव्हा तुमचं सरकार होतं तेव्हा, म्हणजे आता आहेच पण आजपासून 4 वर्षापूर्वी। ती एजन्सी प्रचंड झूम करते आहे, लोकांना सतवते आहे। आता ज्या पद्धतीने टाटा अडाणी यांना सगळ्यांना प्रायव्हेटायझेशनसाठी अख्खा महाराष्ट्र उघडा करून देण्यात आला आहे, तर त्या पद्धतीने सगळ्यांना तिथे जाऊन मुंब्रा इथे टोरेंटची एजन्सी बदलून तिथे टाटा आणि अडाणी यांच्यासारख्या एजन्सीजला संधी द्यावी आणि टोरेंटवरती काहीतरी लगाम लागावा असं मी इथे या सरकारला विनंती करतो। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।